हेलो बच्चों, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो कि बेटा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, तो अवकलज के अनुप्रयोग के साथ आज की आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। ये टॉपिक आपके लिए एक नया टॉपिक है और ये टॉपिक जो है अवकलन से रिलेटेड है। तो बेसिक अवकलन का नॉलेज सभी बच्चों को होना चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों को बेसिक नॉलेज नहीं है अवकलन के बारे में, वो जाकर एक दो अवकलन की क्लास जरूर देख लेंगे। ठीक है, बाकी ये क्लास देखते ही रहेंगे, लेकिन उन क्लासों को बीच बीच में देख भी लेंगे। ओके, क्योंकि अवकलन आना आपका अनिवार्य है। और अवकलन के साथ साथ आपने फर्स्ट ईयर क्लास में और हाई स्कूल में पढ़ा होगा। ठीक है, क्षेत्रफल से रिलेटेड फार्मूले से वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, ये सब पढ़े होंगे, तो ये भी आयत का क्षेत्रफल हो गया, घन। ठीक है, ये भी फार्मूले आपका आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो होता है अवकलज के अनुप्रयोग। तो अवकलज के अनुप्रयोग में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले इसको देख लो। सबसे पहला आपका टॉपिक पढ़ेंगे राशियों, क्या पढ़ेंगे, राशियों के परिवर्तन की दर। पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे राशियों के परिवर्तन की दर। पहला आप टॉपिक ये पढ़ेंगे। ठीक है, राशियों के परिवर्तन की दर। दूसरा पढ़ेंगे वर्धमान और ह्रास। ठीक, आप तीसरी वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, वर्धमान और ह्रासमान फलन। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, आप देखिए तीसरा आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पर्श रेखा और अभिलंब। क्या रहेगा, स्पर्श रेखा और अभिलंब, और अभिलंब, ये चीज आप बच्चे सब लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चौथा रहेगा सन्निकट मान। क्या रहेगा, सन्निकट मान। चलिए, और पांचवा आपका रहेगा उच्चतम और ठीक, ये आप टॉपिक पांच पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका है राशियों के परिवर्तन की दर। ठीक है, जो आपका 6.6 ए में ही है। ठीक है, बी में आपका आएगा वर्धमान और ह्रासमान फलन। ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद स्पर्श रेखा और अभिलंब, फिर सन्निकट मान और फिर उच्चतम और निम्नतम मान। ठीक, ये आपके टॉपिक है। ठीक है, इन टॉपिकों में देखो आपका क्या है, इन टॉपिकों में आपका अवकलन आना चाहिए अनिवार्य है। मतलब बेसिक अवकलन का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, जिसको अवकलन नहीं आती होगी ऐसे सबको आप यहाँ पर आती है। जो बच्चे नए हैं जिनको अवकलन नहीं आती, वो अवकलन जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद इस क्लास को पढ़ेंगे। बाकी आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ी बहुत आएगी तो समझ जाएंगे, लेकिन अवकलन पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आएगी। ठीक है, अब देखो जैसे हम अवकलन कराते थे वाई, देखो अवकलन कराते थे जैसे इसका अवकलन कराते थे। ठीक है, एफ एक्स फलन का। ठीक है, तो वाई का जो होता था वो आपका आप बताओ किसके साथ हो रहा है, तो डीवाई में डी एक्स होता था। आप देखो अगर ये आ जाए, अच्छा किसके साथ पेश हो रहा है यहाँ पे, यक्ष के साथ पेश। तो देखिए क्या हो जाएगा, यक्ष के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, लेकिन परिवर्तन किसमें होगा, वाई में, क्योंकि आप राशियों के परिवर्तन की दर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यक्ष के सापेक्ष वाई में परिवर्तन, वाई के दर में परिवर्तन, वाई के दर में परिवर्तन। ठीक, ये अगर देखो ये लिखा होगा इसे डीवाई पॉइंट डी एक्स लिखा होगा, उसमें आप क्या लिखेंगे, यक्ष के सापेक्ष वाई के दर में परिवर्तन। ठीक है, या वाई में परिवर्तन। ओके, अब अगर इसी प्रकार लिख देते डी एक्स अपॉन डी वाई, वाई नीचे आ जाए तो इसका हो जाएगा वाई के सापेक्ष यक्ष में परिवर्तन। हाँ वही चीज है, इसमें परिवर्तन। ठीक है, इस प्रकार से आपका होगा। अच्छा एक चीज और सुन लो, अगर जैसे डीवाई पॉइंट डी एक्स निकालते हैं, अगर जैसे डीवाई पॉइंट डी एक्स निकाला। ठीक है, अगर इसका मान हमारा ऋणात्मक आता है, ठीक है, ऋणात्मक यानी निगेटिव। ठीक है, अगर इसका मान हमारा ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक, ठीक है, अगर ऋणात्मक आता है यानी आपका माइनस का आता है, ठीक है, तो क्या होगा, परिवर्तन में क्या होगी, दर में कमी होगी। ठीक है, परिवर्तन के दर में क्या होगी, कमी होगी। क्या लिख देंगे यहाँ पे,
परिवर्तन के दर में कमी होगी। ठीक है, आगे अगर ये डिवाइड अपॉन जो डीएक्स है आपका धनात्मक आता है, धनात्मक, ठीक है, धनात्मक यानी प्लस आता है। ठीक है, जो भी आंसर निकलेगा, ओके, ये चीज आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ओके, तब ये हो जाएगा जो वह परिवर्तन की जो दर होगी, जो परिवर्तन की जो दर होगी, दर में क्या होगा, बढ़ोतरी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ, ठीक है, ये आपका इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, आप देखो इसमें समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो देखो क्या है, देखो कैसे परिवर्तन होता है, राशि में परिवर्तन कैसे होता है। एग्जांपल, जैसे हमने एक गुब्बारे को लिया, ठीक है, आप देखो इसमें क्या होता है, अगर हम गुब्बारे को लेते हैं, ठीक है, अब गुब्बारे का इतना छोटा है, ठीक है, समय के साथ जैसे परिवर्तन होगा, उसमें क्या किया हमने, हवा भरी। ठीक है, जैसे पहले हमारा गुब्बारा इतना, ठीक है, इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है, अब इसमें हमने हवा भरी तो क्या हुआ, गुब्बारे का आकार बढ़ा, ये आकार में आ गया, तो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, त्रिज्या बढ़ी। ठीक है, किसके साथ बढ़ी, समय के साथ त्रिज्या बढ़ी। अगर त्रिज्या में परिवर्तन आएगा तो किसके किसके में परिवर्तन आएगा, आयतन में भी परिवर्तन आएगा, आएगा त्रिज्या के सापेक्ष किसमें परिवर्तन आ रहा है, आयतन में। समझ में आया, त्रिज्या बढ़ रही है, देखो पहले इतनी थी, देखो पहले इतनी थी, इतना आयतन था, और देखो जैसे त्रिज्या और बढ़ेगी, त्रिज्या अगर और बढ़ेगी तो आयतन और बढ़ेगा। ओके, मतलब आजकल जितनी भी चीजें हैं उसमें परिवर्तन हो रहा है, आप में भी परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन मतलब होना क्या था, बढ़ना और घटना कुछ भी हो सकता है। जैसे आप लोग भी बढ़ रहे हो, जैसे बाइक चलाई जाती है, पेट्रोल में परिवर्तन होता है, भाई पेट्रोल घटता है। ठीक है, तो परिवर्तन हर चीज में होता है। ठीक है, हर चीज में परिवर्तन होता है, या तो खत्म हो जाती है या तो बढ़ जाती है, कोई चीज भी ले लो, ए टू जेड कोई चीज ले। ठीक है, हाँ, किसी भी परिवर्तन दर बहुत कम होती है, बहुत सालों लग जाते हैं परिवर्तित होने में, लेकिन होती जरूर है परिवर्तन दर। ठीक है, तो इसी चीज को आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज रहेगी। ठीक है, बस मैं माइंड में आपको ये रखना है कि इसके सापेक्ष होगी। ओके, चलिए इसको भी बताते हैं अच्छे से, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको वर्ग घनमूल के फार्मूले बताते हैं। नोट कर लीजिए। ओके बेटा, इसमें देखते हैं इसके आगे अब आपका। ठीक है, तो ये से ये आपका व्रत, जैसे व्रत है क्या बेटा, आपका व्रत। ठीक है, ये व्रत है, ये आपकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, व्रत होता है, व्रत की त्रिज्या, अगर व्रत की परिधि, परिधि देखो परिधि ये होती है जो ऐसे यहाँ से यहाँ तक गए जाते हैं, उसको बोलते हैं परिधि। ठीक है, क्षेत्र और पूरे को बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ सकता है, सबसे पहले पूछ सकता है व्रत की परिधि क्या हो सकता है, व्रत की परिधि। ठीक है, परिधि, और एक क्या फार्मूला बनेगा इसमें, व्रत का क्षेत्रफल। ठीक है, चलो व्रत की परिधि का फार्मूला बताओ, बोलो क्षेत्रफल। हाँ बिल्कुल, बताइए बताइए, 2πr। ओके, 2πr, चलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो वृत्त की परिधि होती है 2πr होती है। ठीक है, और क्षेत्रफल कहते हैं पाई आर स्क्वायर। अब इस बार पूछ देता है अगर आयत, क्या पूछ देता है, सेकंड नंबर आयत, तो आयत में क्या होता है, आयत का डायग्राम ऐसा होता है, ये दो भुजाएं इसके समांतर होती हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं, ये भुजा इसके समांतर होती है। ठीक है, लंबाई ज़्यादा कह सकते हो, चौड़ाई, लंबाई बराबर होनी चाहिए, चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सब बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे हमारा ये हो गया ए, ये हो गया बी, मान लेते हैं। ठीक, अब अगर इसका इसका क्षेत्रफल निकालना हो, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो, इसमें क्या क्या निकलता है, पहली बार तो क्षेत्रफल निकालोगे, क्या निकालोगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप। ठीक है, परिमाप, चलिए बताइए इसका क्या होगा। ठीक है, अगर इसको देखो ए ए मान लो तो अलग होगा, कैसे इसको लंबाई आपने पढ़ा होगा, लंबाई और बी चौड़ाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, लंबाई नहीं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, इसी को ढूंढ करते हैं एल बी। ठीक है, एल इंटू बी। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं क्या होता है, दो बाहर लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है फॉर्मूला।
यानी क्या इसका क्या बन जाएगा, इसका फार्मूला बन जाएगा आगे L इंटू बी, इसका बन जाएगा दो बाहर ले लेंगे कॉमन L प्लस बी, ये फार्मूला हो गया। ओके ये हो गया हमारा ग्रथ, तो ये हो गया यहाँ पे ले लेते हैं, ये आपका क्या का फार्मूला है ग्रथ का, ये का है कार्य का आय। अब थर्ड नंबर देखते हैं वर्ग। अच्छा वर्ग क्या क्या होता है, वर्ग में हाँ वृत्त का है, अरे वृत्त का है ठीक है, वृत्त का ही वृत्ता का नहीं है ठीक है। अच्छा वर्ग में क्या होता है बेटा आपका, वर्ग में क्या होता है सारी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं ठीक है। ये काय का है आपका वर्ग का, ये काय का बेटा आपका वर्ग, और वर्ग में क्या होता है सारी भुजाएं आपकी बराबर होती हैं ठीक है बेटा, काजल पता सही कर पीछे हो जाएगा। वर्ग में क्या होता है सारी भुजाएं बराबर होती हैं, अगर ये ए है तो ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है ठीक है, अगर ये ए है तो ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछ दें इसमें तो क्या हो जाएगा बताओ जरा सा, वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा फिर ए स्क्वायर हो जाएगा ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ठीक है, बुरा लगा ए स्क्वायर हो जाएगा, और अगर इसी का क्या पूछते हैं परिमाप पूछते हैं ठीक है, वर्ग का परिमाप ठीक है, परिमाप कितने ए हैं पूरा नापेंगे ना, एक दो तीन चार, तो क्या हो जाएगा आपका बेटा फोर ए, ये हो जाएगा आपका परिमाप ओके। ये देखते हैं आपका घन, फोर नंबर घन और घनाव, घन और घनाव ठीक है, देखो घन और घनाव, देखो घन और घनाव का क्या, जो घन होता है आपका वर्ग से मिलकर बना होता है ठीक है, ये वर्ग है ठीक, वर्ग जैसा होगा, और घनाव क्या होगा आयत से मिलकर बना होता है ठीक है, तो घनाव जैसा होगा ठीक है, मतलब आयत जैसा होगा ठीक है, तो इसका जो डायग्राम होता है इसका डायग्राम बेटा आपका ऐसा होता है ठीक है, ये हो गया वर्ग से मिलकर बना होता, तो ये बन गया आपका ओके। अब इसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो आयत से, तो एक आयत ये और एक आयत और पहले लगाएंगे ठीक है, ये आयत बन गया, ये ऐसे जैसे इसको जोड़ा गया सेम इसको जोड़ देंगे ठीक है, ये आपका ये जो हो गया देखो, ये भी पासा है ठीक है, ये नॉर्मल जो आप लोग खेलते हो ये वाला पासा लग रहा है, ये वाला अच्छा कौन सा पासा लग रहा है, आए सपनी मामा वाला, हाँ ठीक है ये सपनी मामा वाला लग रहा है ठीक है, देखा होगा महाभारत में ठीक है, तो देखो इसका अगर पूछ देगा इसका आयत पूछ देगा, इतने आयत नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा सबसे पहले घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या पूछ सकता है घन का आयतन ठीक है, आयतन, तो घन का आयतन कितनी, देखो सेम है तो ए होगा ए होगा ए होगा ठीक है, क्योंकि घन में क्या होती है सारी भुजाएं आपकी सेम होती है, तो क्या होगा ए ए होगा, तो क्या हो जाएगा आपका ए क्यूब हो जाएगा ठीक है, आप अगर इसमें कहते हैं घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा सिक्स ए स्क्वायर, इसका एक फार्मूला हो जाएगा। अब अगर घनाभ, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है, और इसी में पूछ देगा आपका घनाभ का आयतन ठीक है, तो इसमें क्या होगा इसकी देखो लंबाई अलग होगी, ऊंचाई अलग होगी और चौड़ाई अलग होगी ठीक है, वर्ग में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी होता है सेम होता है ठीक है, सब चीज बराबर होगा, अगर 5 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर लंबाई होगी, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी, 5 सेंटीमीटर लंबाई जो भी होगा सब 5-5 होगा ठीक है, लेकिन घनाभ में कोई फिक्स नहीं होता है कितनी लंबाई होगी कितनी चौड़ाई किसकी होगी ठीक है, उस आकार को उसको बोलते हैं घनाभ ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा एल अलग होगा, एल अलग होगा, बी अलग होगा, एच अलग होगा, फिर तीनों का गुणाम कराएंगे फिर हमारा आयतन निकलेगा ठीक है, तो एल बी एच हो जाएगा, इसी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोले तो दो को बाहर कॉमन ले लेना, इसका अच्छा गुणा करा देंगे एल बी हो जाएगा, इसका जो हमारा हो जाएगा बी एच हो जाएगा, फिर हो जाएगा एच एल हो जाएगा ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है, तो ये लोग आप लोग नोट कर लीजिए, फिर बेलन और शंकु को देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं ओके बेटा। अब देखते हैं आगे, अब आपका देख लीजिए किसके बारे में, देख लीजिए बेलन के बारे में ठीक है, तो बेलन ठीक, बेलन आपका बेलन 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 ही है वो
ये हो गया बेलन, ठीक है, उस इस आकार का बेलन होता है, लंबा वाला बेलन है ये, ठीक, ये बेलन है, ठीक है, इसमें ये आपकी क्या होती है बेटा, त्रिज्या होती है, आपकी ऊंचाई होती है, ठीक है, ये आपका एच होता है, ये बेलन होता है। अगर बेलन में पूछ दे वक्र प्रश्न, अगर पूछ दे बेटा बेलन का वक्र प्रश्न, ठीक है, चलिए बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πrh, यहाँ पे उसका हो जाएगा 2πrh हो जाएगा। अगर ये पूछ देता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, चलो बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। चलिए अब ये और क्या पूछ सकता है, बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ, ठीक है, चलो इसका क्या हो जाएगा, देखो संपूर्ण कहेगा, देखो जो वक्र पृष्ठ होता है वो चारों तरफ का पूरा पूरा किनारे में पूरा लिया जाता है, ठीक है, संपूर्ण का मतलब पूरा बेलन लिया जाता है, जैसे ये है हमें पूरे भाग ले लेंगे ये चीज और ऊपर की ये चीज छूट जाएगी वक्र पृष्ठ में, ठीक है, लेकिन संपूर्ण कहेंगे तो भाई ये वाला भी पार्ट लेंगे और नीचे वाले भी लेंगे, ठीक है, तो नीचे वाले किस आकार के होंगे, गोल, ठीक है, गोल, अभी मैंने लिखा है वृत्त हो जाएगा, तो वृत्त की पर इसको क्या बोलते हैं भाई, गोल किनारे परिध नहीं क्षेत्रफल, किनारा हो जाएगा क्षेत्रफल की यहाँ बात कर रहा है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो एक यहाँ का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एक यहाँ का पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे आपके पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो आपके जो क्षेत्रफल होंगे दो, तो क्या हो जाएगा इसका 2πr² भाई, दोनों में क्या है 2πr² हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे, सबसे पहले हो जाएगा आपका 2, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पहले तो ये हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरा निकालना तो किसको लिखेंगे, आयतन को भी लिखेंगे, ठीक, नहीं गोले, गोले का नहीं बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2πr², ठीक है, ये हो गया, ठीक है, मतलब हमने साइड का लिख दिया, ये वक्र पृष्ठ को लिख दिया और परिधि जो मतलब क्षेत्रफल दो गोले थे उसको लिख दिया, इसको बोलते हैं संपूर्ण, ठीक है, ये हो जाएगा बेलन का, ठीक है, अब आ जाते हैं एक बार देखते हैं शंकु, ठीक, हाँ कॉमन लेना चाहो तो फार्मूला आगे बन सकता है, क्या कॉमन मिल सकता है इसमें, 2 कॉमन मिल सकता है, पाई कॉमन मिल सकता है, और कॉमन क्या मिल सकता है, आर मिल सकता है, यहाँ पे आर प्लस एच मिलेगा, ठीक है, ये भी आपका शंकु के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का ही फार्मूला है, ठीक है, अच्छा बेलन का है, शंकु तो करने जा रहे हैं, ठीक है, अब देखते हैं शंकु के बारे में, तो देखो शंकु का कैसा होता है, तो शंकु का जो डायग्राम होगा इसी से बना होता है, बस यहाँ से जो है ऐसे काट लिया जाता है, ठीक है, बेलन से ही काट लिया जाता है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया शंकु, अगर हम पार्ट के ऐसे बनाए इतना पार्ट होता है, तो ये बन जाएगा हमारा शंकु का, ठीक, अब इसमें ये आपकी हो जाएगी बेटा त्रिज्या हो जाएगी, ठीक, ये आपकी क्या होगी ऊंचाई होगी, अच्छा ये पार्ट क्या होगा एल, जिसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, ठीक है, ओके ये हो जाएगी, ठीक है, जिसको कर्ण वाला अगर देखा जाए तो 90° का कोण नहीं बनता है, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है, जिसको एल बोलते हैं, ठीक है, चलिए अब इसमें भी पूछ सकता है शंकु का वक्र पृष्ठ पूछ सकता है, ठीक है, क्या बेटा शंकु का वक्र पृष्ठ, चलिए क्या होगा इसमें पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है, और शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक, चलिए बताइए शंकु का आयतन क्या होगा, देखो हाँ 1.3 क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है इतना पार्ट काटा गया, एक तिहाई तो हुआ, 1, 2, 3 1/3 भी तो काटा गया, तो बस यही वाला फार्मूला रहेगा, सिर्फ 1/3 लग जाएगा, फार्मूला यही रहेगा आपका, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच रहेगा, ठीक है, अब इसी में निकाल लेते हैं लू शंकु का संपूर्ण, ठीक है, क्षेत्रफल, चलिए संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो नीचे जो गोला या वृत्त कितना है, एक है, ठीक है, इसमें आपके दो थे, इसमें आपके दो थे और इसमें कितना है, सिर्फ एक है, तो सबसे पहले एक है, तो एक का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होता है, और बाकी वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा पाई आर एल, इसमें से बाहर कॉमन क्या लिया जा सकता है पाई
आर को बाहर ले लेंगे तो आर प्लस एल बच जाएगा, ये आपका आर प्लस एल, आर ही है ठीक है, आर प्लस एल बच जाएगा ओके। तो ये आपका हो जाएगा बेलन और शंकु का ठीक है। तो सब बच्चे इसको नोट कर लेंगे, फिर देखते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। नोट कर लीजिए, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास को ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे पहला सवाल, पहले सवाल को देखने के पहले हम सेकेंड नंबर सवाल देखेंगे, क्यों? क्योंकि पहला सवाल है वो थोड़ा सा ये जो भी हमने फार्मूला बताया है, जब अगर आप सेकेंड की जो ये जो है नॉर्मल सेकेंड सवाल है, तो जब आप अच्छे से पढ़ लोगे तो अपने आप वो आप उसको बताएंगे तो और अच्छा आपको समझ में आएगा ठीक है। इसलिए दो सवाल कम से कम इसके देख लेते हैं, उसके बाद जो है फर्स्ट सवाल करेंगे ठीक है। क्योंकि इसमें देखो तीन चीज पूछी हुई है फर्स्ट सवाल में ठीक है। जैसे आपका पूछा हुआ है समय के साथ कण की स्थिति पूछा है, वेग पूछा है, त्वरण पूछा है ठीक है। तो पहले एक चीज को सॉल्व कर लेते हैं, तीनों को बाद में सॉल्व करेंगे ठीक है, तो ज्यादा समझ आएगा। जैसे सेकंड नंबर में सवाल में लिखा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या दे रहा है, क्या दे रहा है आपको वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बेटा क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, चलो वृत्त के क्षेत्रफल को डिनोट किससे करते हैं, ए से। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ए होता है, होता है ठीक। फार्मूला क्या होता है इसका बताइए, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ही होता है ठीक है। अब सवाल में देखो कहा गया है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन ठीक है, क्षेत्रफल के परिवर्तन ए ए, तो इसका क्या बनेगा, यानी परिवर्तन ए में पूछ रहा है किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, आया समझ में, ए में परिवर्तन हो रहा है आर के सापेक्ष, ऐसी हमने अभी फार्मूला लिखा है आपको ओके। आगे कहा है पहला सवाल हम बता रहे हैं आपको फर्स्ट नंबर, इसमें दो सवाल हैं देखो, एक है आर बराबर 3 सेंटीमीटर पर और एक है आपको ज्ञात करना है आर बराबर 4 सेंटीमीटर पर, ये तो है। तो सबसे पहले में, तो पहले में किस पे ज्ञात करना, आर बराबर 3 सेंटीमीटर पर, ये आपका क्वेश्चन है, ये बताना है आपको ठीक है, ये आपको बताना है। क्षेत्रफल ए, ए बराबर क्या दिया है आपका पाई आर स्क्वायर, इसका कर देंगे अवकलन ठीक है, अवकलन ओके। तो अवकलन ए का क्या होता है, डी जिसके सापेक्ष हो रहा आर के, तो डी ए अपॉन में ये डी आर हो जाएगा ओके, बराबर में पाई को बाहर कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर का कराएंगे तो टू आर होता है, होता है ठीक। अब आप आर का मान रख देंगे यहाँ पे ठीक, ये हो जाएगा आपका डी ए अपॉन में डी आर, और ये आर बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 पाई ठीक है, और इंटू में 3 ठीक, गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा आपका डी ए आर, आर बराबर 3 सेंटीमीटर बराबर में 3 दुना 6 पाई ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आप देखो जो यहाँ पर सॉल्विंग चीज बता दें आपको, मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, लिखेंगे कैसे इसके मात्रक समझो, पहले ए, ए क्या होता है आपका क्षेत्रफल, एरिया ठीक है। तो क्षेत्रफल का क्या होता है मात्रक, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। तो सेंटीमीटर में सारी वैल्यू तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में क्या है आर, अपॉन में आर, आर क्या होती है आपकी त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होती है सेंटीमीटर ओके ठीक है ओके। तो ये आप लिख देंगे फर्स्ट में ओके। इसी प्रकार चौथा नंबर सवाल देखो, मतलब चौथा ये ऑप्शन में आर बराबर 4 दिया उस पर देखो ठीक है, इसमें आर बराबर 3 दिया था ओके। वही करना है, वृत्त का क्षेत्रफल बिल्कुल सेम करना है, बस 3 की जगह 4 रखना, कर लेंगे सब लोग। चलिए फिर इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वाला करके दिखाइए जल्दी से ओके बेटा। इसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर सवाल अब आपका ठीक है। देखिए थर्ड नंबर भी देख लीजिए पहले, देखिए थर्ड नंबर में लिखा है थर्ड नंबर, हाँ एक घन का आयतन, देखिए क्या लिखा हुआ है एक घन का आयतन, देखिए सब लोग पढ़ेंगे इसको पहले रीड करेंगे अच्छे से ठीक है। लिखा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है, क्यूब है अच्छा हाँ 8 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जो आयतन का फार्मूला ही क्यूब होता है ठीक है ओके, मतलब मात्रक ही होता है फार्मूले में, अपॉन में है एस, ये क्या हो गया सेकेंड ठीक है, की दर से बढ़ रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है एक घन का आयतन,
तो घन का आयतन यहाँ पे देखो, घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? घन का आयतन, जरा फार्मूला बताएं सब लोग, एक लोग बताएंगे, बताएंगे ना आयतन, आयतन को बी से करते हैं, फार्मूला क्या होता है बताइए, बताइए बेटा। और को बताएं, आप बताइए, एक यू घन, घनाव नहीं, कहाँ से बोला बेटा, घन का फार्मूला ये होता है, फार्मूला याद कर लो। अरे फार्मूले का नहीं आपको आएंगे तो आप सवाल कैसे करेंगे? अब तो आपको फार्मूले नहीं आते हैं कैसे सवाल करेंगे? अरे घन घनाव में अभी हमने डिफरेंट बताया था, फिर भी नहीं समझ में आया। अरे फार्मूले इतना तो हाई स्कूल पढ़ लिया है, सी फार्मूले से फर्स्ट ईयर पढ़ लिया पूरा, लेकिन फार्मूले नहीं याद हो पाए हैं। देखो जा, घन का आयतन भी बराबर एक यू होता है, ओके। अब देखो कह क्या रहा है, आगे कह रहा है आयतन, घन का आयतन किसके सापेक्ष बढ़ रहा है? देखो जब जहाँ पे समझ में आए तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में आर, तो क्या होगा नीचे सेकंड, सापेक्ष इसके है समय के, ठीक है, यही तो है। और आयतन क्या आपको यहाँ पे क्या दे रहा है, डी वी अपॉन डी आर, ठीक है, यही तो दे रहा है। ये कितना दे रहा है, ये देखो ये दे रहा है आपको आठ, अच्छा समय के साथ, हाँ टी होगा, डी टी होगा, ठीक, तो आठ सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में ये आपको दे रहा, ठीक है, ओके। अब आगे देखो, अब अगर हम इसमें रख देते हैं, इसमें अब देखो आपको ज्ञात क्या करना है, ये चाहे देख लो, पृष्ठ की तरह से बढ़ रहा है क्षेत्रफल, यानी क्या ज्ञात करना है आपको, डी बी क्षेत्रफल कह रहे तो डी ए हो गया, ये आपको इसमें ज्ञात करना है डी ए, क्षेत्रफल डी ए किसके सापेक्ष बढ़ रहा है, जरा एक बार देखो किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष बढ़ रहा है ना, तो टी, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और कब ज्ञात करना है, जब आगे देखो सवाल क्या दिया है, किनारों की लंबाई, जो घन है, जो घन है इसकी लंबाई, जो घन आपका ऐसे बनता है इस प्रकार से आपका ये घन बनता है, ठीक है, इनके हाँ वर्ग से बनता है, ये किनारे ए ए ए है, ठीक है, तो ए यानी ए बराबर क्या होना चाहिए आपका 12 सेंटीमीटर, तब आपको ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसका करा देते हैं, बी बराबर दिया है आपको ए क्यू, अब इसका अगर अवकलन कराएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, डी बी अपॉन में टी के सापेक्ष होगा, याद रखिएगा, जिसके सापेक्ष बढ़ रहा है उसी के सापेक्ष अवकलन कराएंगे, ठीक है। तो डी बी अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी बी अपॉन में डी टी, ठीक है, आगे क्या हो जाएगा आपका, आगे यहाँ पे हाँ ए का करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री ए स्क्वायर अवकलन, ठीक है। अब ए का करेंगे किसके सापेक्ष हो रहा है, टी के, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन में डी टी, ये चीज समझ में आई, ठीक है, जिसके सापेक्ष होता है, जिससे वाई का कराते थे डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, वैसे आपका यहाँ पे हो रहा है। अब देखो यहाँ पे डी बी अपॉन डी टी आठ दे रहा है, ठीक रख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर थ्री, और यहाँ पर देखो ए बराबर भी दे रहा है, ए बराबर देखो क्या दे रहा है 12, ठीक है, ए का भी मान रखा जाएगा, तो डी बी अपॉन डी टी रखे दे रहे हैं, यहाँ पे लिख देना, लास्ट में क्वेश्चन में बोला है किनारे, किनारे की लंबाई, यहाँ पे लिख देना किनारे, हाँ हाँ बोलिए, कहाँ पे, कहाँ पे, ये यहाँ पे बी बराबर एक, ये पहले यहाँ पे ए बी बराबर ए के सापेक्ष नहीं कराएंगे, जिसके सापेक्ष बढ़ रहा है, टी के सापेक्ष है सवाल ना, तो टी के सापेक्ष पूरा होगा सवाल, जितना होगा टी के सापेक्ष होगा, ठीक, तो टी के सापेक्ष होगा तो बी का होगा डी बी अपॉन डी टी, तो इसका हम कराएंगे पहले क्यूब का, तो थ्री आ गया आएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए का भी आपको कराना पड़ेगा क्योंकि इसके सापेक्ष टी के सापेक्ष हो रहा है, ठीक है, हाँ जैसे उसमें वाई का कराते थे, जिसके सापेक्ष होता था उसको कराते थे, नीचे आता था वही चीज इसमें आपकी हो रही है, ठीक है। अब जो आपको ए बराबर देखो दिया है 12, यानी घन के किनारे की लंबाई कितनी दिया है, यहाँ पे लिख देना घन, घन की लंबाई दिया 12, तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एट बराबर थ्री 12 × 12 हो जाएगा स्क्वायर है, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इंटू में डी बी अपॉन में डी टी,
काट दो, चार से काट दो, चार दोनों आठ, चार तीन बारह, और दो से काट दो यहाँ पे, दो एक दो, दो छंग बारह, ठीक है। तो यह कितना आ जाएगा, तीन से नौ, ठीक है, नौ सात चौवन, यानी वन बराबर आ जाएगा चौवन डी वी अपॉन में डी टी। अगर डी वी ये आपको डी ए अपॉन डी टी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बटे चौवन आ जाएगा, ठीक है। इसको यहीं पर रख दो, ओके। अब देखो यहाँ पर एक बार हम देखेंगे, अब देखो जो ए है, ठीक है, ये दर से बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका जो मात्रक होता है सेंटीमीटर से त्रिज्या का होता है, समय का सेकेंड होता है, तो आप ये लिख लेंगे, ठीक है, हाँ, ठीक है। ये मात्रक आप रख में पीछे कॉपी में लिखते जाओ, ओके। अब पहले देख लो, अभी हम लिखाए दे रहे हैं, पहले आगे थोड़ा सवाल देख लो, फिर देख लो। अब देखो क्वेश्चन में आगे कहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये आपको बताना है। पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है, ए, ए बराबर क्या होता है बताओ, चलिए आप बताइए, बताइए आपको, फिर से आप बताइए, पृष्ठ क्षेत्रफल का, घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला, घन का आपको मैट्रिक्स चल रहा, घन का बताएंगे आप, चलिए नेक्स्ट, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट बताइए, बेटा अब है फार्मूले आप करो बेटा, सिक्स ए स्क्वायर होता है, ओके, ठीक। इसीलिए कहते हैं आगे बातचीत करते रहते हो, बात सुख लीजिए, उससे बढ़िया फार्मूले याद कर लिया करो। देखो ए बराबर सिक्स ए स्क्वायर, ठीक है, अब इसका क्या करा देंगे, आओ करो, चलो करा उसका, तो ए का क्या हो जाएगा, टी के साथ हो रहा है, डी ए अपॉन में डी टी, ठीक है, बराबर भैया हमने क्या कहा, सवाल ने भी क्या बताया है, फिर से रीड करो आप, टी के सापेक्ष हो रहा ना, ये टी के सापेक्ष दर इसकी है ना, तो टी के सापेक्ष तो होगा, हाँ उसी के सापेक्ष, अगर त्रिज्या आएगी त्रिज्या के सापेक्ष होगा, तो आप पूरा त्रिज्या के कराओगे, इसके पहले वाला सवाल क्या था, इसलिए मैंने सेकंड, इसलिए मैं पहला सवाल भी छोड़ रखा है कि बाद में पढ़ाएंगे, ये तो अभी तीन चीजें पूछ रहा है, अभी भी आपका वाला हो जाएगा, फिर इसीलिए मैंने छोड़ रखा है, पहले इसको थोड़ा एक दो सवाल बता देते हैं, बेसिक नॉलेज तब आपको बताते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा, अब सिक्स का कराएंगे, देखो तो सिक्स आ जाएगा, इंटू ए का कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू में टू ए हो जाएगा, अब ए का कराएंगे तो क्या होगा, डी ए अपॉन डी टी होगा, ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी बराबर सिक्स छः गुना बारह कर दो, ठीक है, ए और डी बी, ये देखो डी ए अपॉन डी टी कितना निकला, एक बटे चौवन, ठीक है, ये तो निकला है। अब देखो, अब आपको यहाँ पे देखो एक चीज और बता दें, किस पे ज्ञात करना, ए बराबर कितना दिया है, बारह दिया है, ठीक, ए का भी मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बारह इंटू बारह, क्योंकि यहाँ पे ए का मान रख देंगे, इंटू एक बटे चौवन, काट दो, किससे कटे गए, छः से, छः नवैया चौवन, छः दूना बारह, ठीक है, फिर तीन तीन नौ और तीन चको बारह, ठीक है। अब इसका मल्टीपल करा लेंगे तो आ जाएगा डी ए अपॉन में डी टी बराबर ए बराबर बारह, और तो ये हो जाएगा चार गुना आठ और ये तीन, ये बस आठ पे तीन। अब इसका मात्रक लिख दो, ए क्या होता है क्षेत्रफल, यानी क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, और टी आपका होता है सेकेंड, ठीक है, ये लिख देंगे सॉल्व हो जाएगा, ओके। अगर देखो यहाँ पे मात्रक, देखो इस सवाल में मात्रक जो देख लेना, इसमें देखो मात्रक सेंटीमीटर दिया है, अगर आपका मात्रक मीटर देगा, बाय चांस मीटर देगा, तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, यानी सेंटीमीटर लिखेंगे, ये क्या पे क्या बता, ये लंबाई, लंबाई ए दूरी से रिलेटेड कर, इधर से हो गया ये आपका ए, ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल है, ये क्षेत्रफल वाला है, और क्षेत्रफल का हमारा यही होता है सेंटीमीटर। देखो देखो कौन सा, ये क्यों कौन सा है, ये वाला, एक मिनट, छोटा एम लिखाया कहा, ये क्या है आपकी आयतन, ठीक है, वी, ये एक मिनट, वर्ग यहाँ पर बना है, ये क्या हो गई लंबाई ऊंचाई ये चौड़ाई, पूरी सेम है ना, हमने कहा दूरी पूरी हो गई, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, मीटर में इनको नापते हैं या नहीं नापते, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को, तीनों के मात्रक क्या होते हैं, थोड़े इसके भूल जाओ, सारे के मात्रक मीटर में होते हैं, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर थे सारे मात्रक सेंटीमीटर में होंगे, समझे या नहीं समझे, क्योंकि यहाँ पे लंबाई ऊंचाई चौड़ाई के मात्रक ही होते हैं आपके सेंटीमीटर, ओके ओके। तो सबसे मात्रक नहीं आते, तो देखो सबसे पहले अगर आपका क्षेत्रफल आ जाता है, अगर आपका क्या आ जाता है क्षेत्रफल आ जाता है, तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, अगर सेंटीमीटर वैल्यू है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, त्रिज्या आ जाए, क्या आ जाए त्रिज्या, तो त्रिज्या देखो लिख दे, ए होता है, ये आपका आर होता है, ये हमारी सेंटीमीटर हो जाएगी,
ए आ जाए, ए आपका देखो लंबाई चौड़ाई देखो यहाँ पे लंबाई लंबाई हो कमा ऊंचाई हो या दूरी से कुछ भी हो ठीक है या चौड़ाई हो उसका मात्रक क्या होता है आपका उसका भी मात्रक सेंटीमीटर होता है। ये भी दूरी मापता है, ये भी दूरी मापता है। और क्या दे सकता है आपका दे सकता है अभी क्या दिया आयतन दिया है आयतन दे दे आयतन आपका क्या होता है वी होता है सेंटीमीटर क्यूब होता है। और क्या समय दे दे समय क्या होता है सेकेंड होता है ठीक है इसको टी से नोट करते हैं ओके अच्छा हाँ से ये क्यूब लगा होगा एक दो लोग एक दो और सवाल देख लेते हैं फिर फर्स्ट नंबर देखेंगे ठीक है तो ज्यादा से समझ में आएगा बताइए तो या फर्स्ट नंबर बताइए थे चौथा वाला तो ये चौथा देख लो पहले देखा एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर अपॉन में क्या लिखा है सेकेंड ठीक है तो सेंटीमीटर पहली बात त्रिज्या दे दिया है तो किसके सापेक्ष पूछ रहा देखो तो ये है क्या आपका ये आपका या क्या हो गया आपका डीआर त्रिज्या डीआर सापेक्ष किसके हैं टी तो डी टी अपॉन डीआर आपको दे रहा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड ये आपको दे रहा है ओके आगे देखो आगे बढ़ेंगे तो आगे लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए नहीं तो हाँ ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ठीक है तो किसका क्या ज्ञात करना वृत्त का क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा फार्मूला ए बराबर पाई आर स्क्वायर ठीक है देखो आपको ज्ञात क्या करना है इसके नीचे लिख देना थोड़ा सा लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है आपको ज्ञात करना है डी ए अपॉन में डी आर और कब ज्ञात करना है जब आर बराबर कितना होना चाहिए आपका 10 सेंटीमीटर हो ठीक है ये ज्ञात करना ठीक है अच्छा टी के सापेक्ष ये हाँ टी के सापेक्ष है ठीक है ये आपको ज्ञात करना है ओके ये आपको ज्ञात करना एक चलो अब ए बराबर आपको दिया है पाई आर स्क्वायर क्या हुआ डबल अरे भैया क्वेश्चन मार्क लो एक लगा दिए बस अरे वो लग गए दो इसमें क्या हुआ कोई नहीं लो एक और लगा दिए तीन नहीं लगाए थे चार लगा दिए बस ये तो पूछ रहा है आपसे ठीक है ये वो बन गए है जिसे वो अरे कोई त्योहार होता है सबके घरों में ऐसे बनाए जाते हैं हाँ नाग पंचमी वाले दिन ना हाँ उसने बनाए जाते हैं ना नाग बाबा जी ठीक है ये हो गया ठीक है आप देखो ए बराबर अवगुण करेंगे तो क्या हो जाएगा डी ए अपॉन में ये हो जाएगा डी आर डी टी की के सापेक्ष हो रहा है ठीक है ठीक है देखो टी के सापेक्ष हो रहा है तो डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा आप देखो पाई को ऐसे बाहर ले लेंगे आर स्क्वायर करेंगे तो 2r होगा पूरा करा देंगे ठीक अब आर का भी करेंगे नहीं नहीं आर का यहाँ पे देखो नहीं करेंगे मुझे क्यों क्योंकि आर का मान दे रहा है ऑलरेडी ठीक है नहीं अगर टी के सापेक्ष करेंगे तो अच्छा टी के सापेक्ष करा रहे हैं तो आर का कर देंगे हाँ हाँ टी के सापेक्ष हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी होगा फिर ठीक है हाँ नहीं आर के सापेक्ष टी के सापेक्ष करे तो माइनस यहाँ पे था ना कि आर के सापेक्ष कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट सवाल में ये लिखा है वही माइनस चला डी टी अपॉन में हो जाएगा बराबर में देखो ये हो जाएगा आपका 2πr डी आर अपॉन डी टी आपको दिया है पहले क्वेश्चन में ठीक है क्या दिया है 3 सेंटीमीटर ठीक है आगे देखो ये गुड़े में लिखा है आप जब इसका गुड़ा करा देंगे फिर आर का मान रख देंगे ठीक ये हो जाएगा आर तो डी ए अपॉन में डी टी जब आर बराबर कितना है 10 तो यहाँ पे जाएगा 2π × 10 × 3 इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी और आर बराबर 10 सेंटीमीटर ठीक है बराबर गुणा करा लो कितना आ जाएगा आपका 3 × 6 = 60 ठीक है ये हो जाएगा 60π आप देखो इसका मात्रक लिखेंगे ए आपका क्षेत्रफल यानी हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर और टी आपका सेकेंड ये बस आप लिखेंगे ओके सब बच्चों को समझ में आया तो ओके बेटा आप लोग क्या बेटा देखो देखो इसमें देखो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो नहीं समझ में आया तो हम बताएंगे हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं आपको समझाने के लिए तो खड़े हैं देखो आपका क्वेश्चन में लिखा है
तीन सेंटी। देखो जब ना समझ में आया तो आप कहां से समझ सकते हो क्वेश्चन में, जैसे देखो जैसे इसके पहले हमने एक सवाल बताया था, सब लोग बुक में देखो, इसके पहले सेकंड नंबर, पहला सवाल हमने सेकंड चुना था, ठीक है। सेकंड नंबर में हमने आपको क्या बताया था, सेकंड नंबर में लिखा हुआ था, सिंपल सा लिखा हुआ था, क्षेत्रफल के परिवर्तन दर आर के साथ, ये जो लिखा था, तो क्षेत्रफल था दर थी सापेक्ष इसके था आर की, तो क्या हो गई थी, त्रिज्या हो गई थी, ठीक है। इसके मतलब है इसके सापेक्ष हुआ था तो क्या हुआ था, डी अपॉन में डी आर हुआ था, ठीक है। अब इसमें जो है चौथा नंबर जो सवाल है उसमें लिखा है वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, समझ में आया किसके सापेक्ष कह रहा है, तो मात्रक देख लेना, मात्रक देख लेना, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड दे रहा है, क्या दे रहा है, ओनली सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपको दे रहा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये देखो सेंटीमीटर क्या होता है, त्रिज्या होता है, यहाँ पे दिया भी है त्रिज्या, ठीक है। तो क्या हो गया आपका त्रिज्या, तो त्रिज्या आपकी आर होती है, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, समय, समय यानी टी। तो आप समझ जाओगे कि ये जो है प्रक्रिया हमारे सवाल में पूरी टी के सापेक्ष होने वाली है, ओके। हाँ वही जिसके लिए वैसी तो सापेक्ष होती है। अरे भी आपने अवकलन पढ़ा है, अवकलन पढ़ा है, जब भी किसी का जैसे अवकलन कराते थे y बराबर एफ एक्स फलन में कुछ भी लिखा, जैसे मान लो 5x² लिखा है, अगर एक्स स्क्वायर के सापेक्ष कराते थे, अगर एक्स स्क्वायर के सापेक्ष कराते तो क्या होता था, dy अपॉन में dx होता था। अगर इसी को t के सापेक्ष कराते थे तो इसी का क्या हो जाता था, dy अपॉन में dt होता था। अगर देखो x के सापेक्ष कराते थे तो इसमें आता था 5 × 10 आ जाता था, x आ जाता। अगर t के सापेक्ष कराते थे तो देखो क्या होता था, इस यही सवाल को 5 × 10 और x आता था, फिर x का भी कराते थे तो dx अपॉन में dt आता था। ये वाला आप इसके सापेक्ष करा रहे हैं तो इसका आंसर ये आएगा, अगर t के सापेक्ष करा देंगे तो डिफरेंट आंसर हो जाएगा, समझे। तो ओके आप लोग इस सवाल को नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ओके ठीक है, ओके। और क्लास को लाइक करते चलेंगे, पहले नोट कर लीजिए आप लोग, ओके बेटा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, इसी प्रकार लोग 5 नंबर को भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 5 नंबर में क्या लिखा है, एक परिवर्तनशील, ठीक है, परिवर्तनशील घन का किनारा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। परिवर्तनशील एक घन है, हमने बात करता है परिवर्तन बढ़ेगा, पहले इतना था बढ़ रहा है, या तो बढ़ रहा होगा तो घट रहा होगा, कुछ ना कुछ हो रहा होगा, ठीक है। फिलहाल तो मैं बढ़ रहा कि घट रहा है कुछ तो बोला होगा, आगे बढ़ रहा है तो क्या होगा, घन बढ़ रहा है, ठीक है। तो माना घन जो होता है, घन घनाभ है नहीं घन है, ठीक है। तो घन माना, यहाँ पे लिख लेना बेटा, माना घन का किनारा क्या होता है, ए होता है, गुड, किनारा किनारा ए हो गया, ठीक है। सेंटीमीटर दिया तो ए भी सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो क्या कहा है बेटा आगे, परिवर्तन घन का किनारा किसके सापेक्ष है, जरा ये बताओ, बोलो टी के सापेक्ष, चलिए एस सेकंड है मात्र, तो घन का किनारा इसका क्या पूछ क्या रहा है, डी ए अपॉन में डी टी, ये आपसे पूछ रहा है, और कब पूछ रहा है आपसे, नहीं नहीं ये दिया है, ये दिया आपको 3 सेंटीमीटर अबटे सेकंड, ये आपको दिया है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, चलिए घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है ये आपको बताना है, तो लिखेंगे घन घन का आयतन, चलो घन का आयतन क्या होता है, वी, फार्मूला क्या होता है, A³, ये होता है, ठीक है। अब आपको लास्ट में देखो घन किस दर से बढ़ रहा है, तो आपको क्या बताना है, dv अपॉन में dt बताना है, कब बताना है ये भी देख लीजिएगा एक बार, जब आपका किनारा कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, a बराबर 10 सेंटीमीटर, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो v बराबर आपको दिया है बेटा, v बराबर देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, v बराबर दिया है आपको A³ दिया है, ठीक है। अब अवकलन क्या कराएंगे तो क्या हो जाएगा, dv अपॉन में dt हो जाएगा बराबर में a, a में क्या हो जाएगा 3a² ओके, a का कराएंगे तो क्या हो जाएगा, dA अपॉन में dt हो जाएगा। अब मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt बराबर 3a², इसका मान कितना है 3, ठीक है, यहाँ पे 3 लिख देंगे, ओके। आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे, dv अपॉन में dt और किस पे ज्ञात करना, a बराबर 10, ठीक है। तो a की जगह क्या आ जाएगा 10, ठीक है, तो 10
इसका स्क्वायर यानी 10 10 चार इंटू में लिख दो, ठीक है। अब इसका गुणा करा देंगे तो 3 3 9 और 10 सौ 900 आ जाएगा, ठीक है। तो डी वी अपॉन में डी टी ए बराबर में जब 10 हमने रखा तो कितना आ गया 900। मात्रक लिख देंगे, वी का क्या होता है आयतन सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि इसका क्या होता है क्यूब होता है, तो मात्रक भी क्यूब में जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटी, ये बहुत जरूरी है इन सवालों में याद रखना, मात्रक बहुत जरूरी है। मात्रक से ही क्योंकि क्यों जरूरी, क्योंकि हम मात्रक से ही तो पता करते हैं जिसके सापेक्ष हो रहा है भाई। अभी जब पहले दूसरे सवाल को छोड़ दो, बाकी जितने सवाल आए हैं सबके मात्रक से पता किया है, तो अगर उन्होंने दिया है इम्पोर्टेंट तो हम भी लिखेंगे हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जरूर इसको लिख देंगे, ये आपका सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पांचवा सवाल, ठीक है। तो ओके बेटा, टाइम हो चुका है, इस वजह से आज की क्लास को यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको पहले सवाल को बता दिया जाएगा तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें 3 चीजें निकालने को बोला था, अभी हम लोगों ने एक एक चीज को अच्छे से निकाला और समझा, तो बच्चों को अच्छे से समझ में आई क्लास। तो ओके बेटा, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे के सवाल के साथ। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देंगे, ठीक है। ओके बेटा, आज में इतना ही, जय हिंद।